हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव है। क्रिएटिव इसलिए कि मैंने बहुत टाइम से ऐसा सोच के रखा हुआ था कि आप लोग के लिए कुछ होममेड चीज़ें लेके आऊँगा मैं। और हमेशा मैं जैसे लेके आता हूँ, मैं लास्ट के आपने देखा था पेपर स्टैम्प मैंने बनाया था, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि आप कब मोनो इरेजर जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है जैसे भी आप देख रहे हो, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसकी रिफिलिंग भी बहुत महंगी है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं तो उसको तो मैं ट्राई करता हूँ, और ट्राई करने के बाद फिर शेयर आपके साथ ज़रूर करता हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे बेनिफिट मिली है आपको भी ज़रूर मिले। और आप लोग के कारण मुझे भी बेनिफिट इसलिए मिला कि आप लोगों ने जो पूछा, कि आप लोग जो हमेशा कमेंट करते हो कि ये मुझे चीज़ें जानना है, तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है कि इसमें मैं ट्राई करूँ। और मैंने ट्राई किया और मुझे बेनिफिट मिला इसके, और जो मैंने ट्राई किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं कि उसमें मैंने एक नहीं करीब करीब 4 महीने ट्राई किए हैं। इनफैक्ट जो मुझे बेनिफिट मिल सकता है, जैसे अभी आप पहला आप देख रहे हो, ये आप मैंने जो बनाया है ये बहुत ही हार्ड है, दोनों तरफ इरेजर है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉइंट देख रहे हो आप, इसमें आप ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। कभी कभी मुझे ट्रायंगुलर शेप की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए, तो इसको जैसे जैसे मैं बनाता गया और इन्वेंट करता गया और चीज़ें जुड़ती गई और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया जैसा मैं सोचता हूँ वो बनती गई हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये भी ट्रायंगुलर है, इसको भी जैसा चाहे आप शेप बना सकते हैं और कट कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देखो, इसमें भी थोड़ा हाइट है, देख रहे हो ये थोड़ी सी पतली है, इसको भी आप शेप देख सकते हो। ये दोनों जो है एक ही मटेरियल के हैं, इसको मैंने बस पेपर टेप लगाया हुआ है जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा। और इसके बाद अभी आप देख रहे हो ये पेन है, सिंपल सा पेन है, लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि ये भी एक जैसा आपको मोनो इरेजर है वैसा ही ये इरेजर है यहाँ पे। तो जैसे आप पेन की तरह यूज़ करते हैं इसको, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इवन ये हार्ड है और इसका रिज़ल्ट भी मैंने ट्राई किया है और ये आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो है प्रोडक्ट सभी के पास होता है, ये जो है आपका होल्डर है, पेंसिल होल्डर, इसमें अभी आप देख रहे हो इवन मैंने थोड़ा मोटा रखा हुआ है इसका जो इरेजर का जो हेड है, तो ये कहीं से भी हिलेगा नहीं और बहुत ही क्रिएटिवली इसको यूज़ किया हुआ। जैसे आप देख रहे हो तो ये निकल सकता है और जब इसको आप टाइट करोगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो ये बहुत मनी सेवर है। आप ये जो चीज़ें हैं, वे पेन है, ये घर में अवेलेबल होता है, ये होल्डर है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, 20 to 40 rupees में आ जाता है। और ये जो चीज़ें घर की हाउस होल्ड चीज़ें हैं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, जैसे ये वाला है। तो इस तरीके से जो मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर ट्राई करता हूँ, और ये ट्राई जो सक्सेसफुल हुआ तो इसलिए मैं आप ये जो सक्सेस स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। होपफुल ये चीज़ें जो हैं आपको पसंद आएंगी, और ये चीज़ें आपको अगर पसंद आती हैं, अगर आपने भी ट्राई किया और सक्सेसफुल होती हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। हो सकता है कि आप कुछ नया बना लें इसमें ही, तो जैसे मैं भी कुछ ट्राई करता रहता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप भी शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं जिसमें मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हर एक वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे मैसेजेस भी करते हैं। तो उनके जो कमेंट होते हैं वो मेरे लिए एक फीडबैक होता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ और क्या करना है आगे मुझे। तो उनके कुछ रिक्वेस्ट भी होते हैं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनके जितने भी रिक्वेस्ट हैं उनको मैं फुलफ़िल करूँ। तो उसमें से कुछ एक तो मैंने फुलफ़िल कर दिए हैं, और एक जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से वो चल रहा है, सभी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप जब भी आप हेयर का डिटेल करते हो, हम भी जब भी डिटेल करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे इरेजर हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम इरेजर का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, शार्पनर है, यहाँ पे बहुत ही शार्प है, तो यहाँ पे तो यूज़ हो जाता है, लेकिन हमें जब डिटेल करना होता है यहाँ पे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो एक प्रोडक्ट है वो है मोनो इरेजर, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव आता है, इसकी जो लिड होती है बहुत छोटी होती है और जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेट 300 के करीब में आती है ये एक्स्ट्रा रिफिल के साथ। तो आप कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हमें ये जो पैसे हैं वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए ये जो इरेजर है वो आपको 5 rupees, 10 rupees में आ जाते हैं नॉर्मली किसी भी शॉप में। तो आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ आपको कि जिससे कि आप ये जो मोनो इरेजर है या फिर आपका जो कस्टमाइज मोनो इरेजर है आपका खुद का है वो कैसे आप बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आज मैं कुछ ऐसा ही ऐड करना चाहता हूँ मैं कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से भी मैंने बनाया यहाँ पे।
तो इसके लिए आपको कुछ बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, घर के आसपास की ही चीज़ें। मैंने भी ऐसे ही कुछ चीज़ें घर में ही ढूंढता रहता हूँ, तो मुझे कुछ ये चीज़ें मिली, शायद मैं इसी के लिए रुका हुआ था, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जो अभी ये वेस्ट हो चुका है, तो मैंने इसको यूज़ किया है, और ये जो पोर्शन है, जैसा मैंने आपको बताया था फ्रेम, तो इसको कुछ मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। और दूसरा ये है, ये पेंसिल होल्डर आप देख रहे हो, ये दो हो गए, और एक थर्ड है, ये कोई भी नॉर्मल पेन होता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनको यूज़ करके मैं बताने वाला हूँ आपको आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बनाने वाला हूँ, ये इसका यूज़ करके बनाने वाला हूँ मैं। तो इसके लिए आपको कितना हाइट का चाहिए वो आप कर सकते हो, कितना आप, जैसे आप जब भी पेन होल्ड करते हो यहाँ पे, तो आप कितना हाइट होना चाहिए अप्रोक्सीमेट, तो उतना मैं यहाँ पे पहले कट कर लूँगा। किसी भी कटर से आप इसको कट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो का यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसके बाद आपका जो नॉर्मल इरेज़र है आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उसको आप ले सकते हो। और इसके लिए मैंने इसको, मुझे आप देख रहे हो कि ये फ्लेक्सिबल है, तो इसको बेंड भी कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो थी वो ट्रायंगलर शेप की थी, जिसको आप हर एक कॉर्नर से आप शार्प कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ पहले तो इसको निशान लगाने वाला, कोई भी स्केच पेन आप ले, इसके जो ऊपर का जो पार्ट है उसको आप पहले कलर कर ले, जो कि हम एक हाईलाइट दे सके जहाँ पे जितना हमें पोशन की ज़रूरत है, जैसे अभी आप देख रहे हो। ये तो ये जो पोर्शन है मैं इसको अभी कट करने वाला हूँ, और ये जो आप कटर यूज़ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। और जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको यहाँ पे कट कर लिया, अभी आप देख रहे हो। और ये जो है मैं यहाँ पे फिक्स करने वाला हूँ, तो ये आप देख रहे हो कि अभी ये बिल्कुल ही फिट हो चुका है। और ये यहाँ पे होने के बाद किसी भी सेलो टेप से हम अब इसको फिक्स कर लेंगे, और इसको मुझे थोड़ा सा और पतला करना होगा जैसे अभी आप देख रहे हो। तो यहाँ के लिए भी मैं एक कट कर लूँगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ ही बनाने वाला हूँ। ये जो हमारे पास बचा हुआ है, फिर हम ये पोर्शन को भी कट करने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये हमारा हो चुका है। और ये आप देख रहे हो पेपर स्टैम्प, और ये यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट बन चुका है मोनो इरेजर। और जैसा मैंने आपको बताया था कि थिकनेस का भी आप कुछ बना सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ट्रायंगलर शेप बनाया, और साथ में कुछ आप अगर चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से भी कॉर्नर शेप दे सकते हो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा जो स्केच है
यहाँ पे जब भी आप हेयर काम करते हैं तो देख रहे हो, ये जितने भी डिटेल हैं वो आप इजीली कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम इसको ड्रॉ करके भी देखेंगे अभी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद ब्लेंडिंग टूल से इसको स्मच किया ये एरिया। अब जनरली हम ऐसा करते हैं, स्किन पे करते हैं, हेयर पे करते हैं, क्लॉथ पे करते हैं, तो यहाँ पे आप की जो अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगर आपको उससे भी अच्छे पॉइंट चाहिए तो ये निकाल सकते हैं, देख रहे हो। तो जितने भी हेयर के हैं आप डिटेल हैं और भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो पेपर मैंने लिया है ये जो वाटर कलर पेपर है, अगर आप स्मूथ पेपर पे करते हो जैसे ये वाला है, इस पे जो है आपकी इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे अलग अलग पेपर पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप लाइन से पता चल गया होगा आपको कि कितनी पतली पतली लाइन्स हैं हेयर के लिए, आप निकाल सकते हो यहाँ पे एक एक जो भी डिटेल है आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये बिल्कुल ही फ्री है और ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ और जो आपके लिए यूज़फुल है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था पेंसिल होल्डर से ये वाला, तो इसके लिए भी अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो ये भी एक इरेज़र है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने स्केच पेन से मार्क लगाया था तो यहाँ पे हम मार्क लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है एक, सबसे पहले इसको उस पोर्शन को हम लेंगे, इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, और ये जो इरेजर्स हैं इनका बेनिफिट ये है कि जब भी आप नॉर्मल इरेजर को होल्ड करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, और इसको जब होल्ड करेंगे आप तो पेन की तरह यूज़ करेंगे, तो हम बहुत ही यूज्ड टू होते हैं पेंसिल के लिए, तो हमें ज़्यादा इजी होता है ये इरेज करना या फिर ड्रॉ करना। तो इसके लिए मैं मोस्टली जितने भी लोग हैं वो यही यूज़ करते हैं मोनो इरेजर, क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है थोड़ा। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए ही बता रहा हूँ मैं कि जहाँ पे आप लार्ज एरिया है वहाँ पे आप अगर आप इसको इरेजर का यूज़ करना चाहते हैं, क्लॉथ में है, तो ये तो अभी डिटेल के लिए मैंने आपको बता दिया। अभी जो लार्ज एरिया है कहीं कहीं बैकग्राउंड पे आपको करना होता है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक थोड़ा थिक इरेजर चाहिए आपको, तो कुछ इस तरीके से बनाया मैंने। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया। अब पेंसिल होल्डर में यहाँ पे होता है आपको टाइट करने के लिए, तो आप इसको ऊपर से फिर टाइट कर लिया आपने, तो ये फिक्स हो गया अभी। अब आपको इसमें जितना कट मारना है आप कट मार सकते हो, और इसको जो भी आपको शेप देना है वो कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि ये कहीं पे भी हिलने नहीं वाला,
तो इसके बाद आपको कौन सा भी शेप देना हो, स्क्वायर में डालना हो, अगर आपको स्क्वायर में करना है तो इसका शेप आप स्क्वायर में डाल सकते हो। तो ये भी देख रहे हो आप कि अभी ये कंप्लीट स्क्वायर का शेप ले चुका है। तो यहाँ पे फिर से हम इसका भी टेस्ट करेंगे। जितने आप देख रहे हो इससे डिटेल आपको क्या चाहिए, कहीं कहीं तो आपको ये मोनो इरेजर से भी हल्के जो हैं, अभी आप देख सकते हो कि इसमें हम लोगों ने दो यूज़ किए हैं यहाँ पे, तो इजीली आप इन दोनों इरेजर की हेल्प से आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और एक और है ये पेन से, तो इसका हम जो रिफिल जो है उसको निकाल देंगे और कुछ इस तरीके से। तो इसका जो ऊपर का जो पॉइंट है हम इसको कट करने वाले हैं, इसको ये देख रहे हो अभी ऊपर का जो पोर्शन है मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक थिक आ चुका है। तो जैसा मैं हमेशा इरेजर के साथ करता हूँ, तो अभी हम यहाँ पे भी निशान लगाने वाले। ये जो इरेजर का पार्ट है हमारे पास बचा हुआ उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ चुका है, फिर हम सेम जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे भी करने वाले। तो ये है, ये हम लोगों ने कर लिया। अभी जो हम यहाँ पे इसको अंदर डाल दिए कुछ इस तरीके से, वैसे तो ये भी हो सकता है लेकिन आपको और ज़्यादा ग्रिप अच्छी से चाहिए तो हम यहाँ पे इसको अंदर डालें, जो कि आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखो जितना आप पॉइंट देना है आप पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप इजीली अभी आप देख रहे हैं कि चीज़ें, और आपके ज़रूरत के हिसाब से मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे की हैं यहाँ पे। तो अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये तीनों का यूज़ कर सकते हैं, ये जो है ये तीनों। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो भी आप बना रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, और वहाँ पे आप अपने जो जितने भी आपने बनाए हैं आपके जो आर्टवर्क हैं या फिर इस तरीके की जो भी चीज़ें आप इन्वेंट करें या बना रहे हैं तो मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे। और ये जितने भी चीज़ें हैं अगर आपको और आगे चीज़ें जानना है या फिर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।